हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एमजीकेवीपी 2023 में जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर था जिसका टाइटल था माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, उसकी क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या था और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो था वो 75 मार्क्स का था। आपको तीन सेक्शन में क्वेश्चन दिए गए थे। सेक्शन ए में जो है कि 10 मार्क्स से क्वेश्चन थे, आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का था, इस तरीके से आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिलते थे। क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड सेक्शन था वहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने थे और हर क्वेश्चन आपके जो है कि 5 मार्क्स के थे, तो यहाँ से आपको 25 मार्क्स मिलते थे। उसके बाद थर्ड में क्या है, थर्ड सेक्शन में क्या है कि आपको 8 क्वेश्चन दिए गए थे, 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने थे और हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का था, तो 40 मार्क्स वहां पे, 25 मार्क्स यहाँ पे और 10 मार्क्स आपको फर्स्ट सेक्शन में मिला था। तो इस तरीके से आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हमारा मतलब बैक्टीरियोलॉजी से कह सकते हैं क्वेश्चन था। तो जेनेटिक का रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के पॉसिबल जो वेज हैं, जैसे कि आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ बताना था। नेक्स्ट में क्या है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स के बारे में बताना था कि वायरस वायरॉइड से किस तरीके से अलग है, क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या दोनों में डिससिमिलरिटीज हैं। उसके बाद नेचर ऑफ प्लांट वायरस, प्लांट वायरसेस के क्या नेचर्स होते हैं, कैसे वो होते हैं, क्या उनका जेनेटिक मटीरियल होता है, किस तरीके से वो इन्फेक्शन करते हैं, नेचर के बारे में आपको बताना था, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से किस तरीके से अलग है, दोनों में क्या क्या डिफरेंशिएशन है, उसके बारे में आपको बताना था। लास्ट क्वेश्चन क्या था कि बायो रेमेडिएशन क्या है, बायो रेमेडिएशन मैंने आपको इस सेमेस्टर में भी, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से सारे क्वेश्चन हमने जो है कि आपको बीएससी लेवल पे भी डिस्कस कराए थे, थोड़ा सा लेवल जो है कम था। उसके बाद सेक्शन बी में बात करते हैं कि प्यूरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ प्लांट वायरसेस, प्लांट वायरस का प्यूरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम प्लांट वायरस की स्टडी कैसे कर सकते हैं, कैसे प्यूरिफिकेशन माइक्रोस्कोप की सहायता से वायरसेस का किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट में क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस, प्लांट वायरस को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो बाल्टीमोर था या फिर ICTV जो मेथड था उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट में क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स एंड विद नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, वायरॉइड्स में रेप्लिकेशन कैसे होता है और क्या कौन कौन से डिजीज जो है वायरॉइड्स के द्वारा होते हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना था। तो जो है कोकोनट में कडंग कडंग डिजीज, पोटैटो स्पिंडल डिजीज, ये सब जो है वायरॉइड्स के थ्रू होता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ बताना था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइकोराइजा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय इट, माइकोराइजा क्या होते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होते हैं उनके मतलब कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम है, क्यों, क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्लियोमॉर्फिक होता है, अपना शेप वगैरह चेंज करता रहता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। माइकोप्लाज्मा से जो है कि लिटिल लीफ और ब्रिंजल हो जाती है, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है इसको, तो इससे न्यूमोनिया होते हैं, तो इस तरीके से आपको बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मिड क्या है, डिफरेंट टाइप के आपको प्लाज्मिड के बारे में बताना था कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल जो कि मेनली जो है प्रोकैरियोट्स का मेनली फीचर्स है, ये कितने प्रकार के होते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो कि टाइप ऑफ प्लाज्मिड के बारे में हम इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है एंटीबायोटिक्स के, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, क्या कौन से एंटीबायोटिक अच्छे होते हैं, वो मतलब कि उनका रेंज कैसा होना चाहिए, कैसे वो स्पेसिफिक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, वो जो नॉर्मल जिसके ऊपर जो यूज कर रहा है उसके ऊपर क्या साइड इफेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहे, सब पॉसिबिलिटीज या सब कैरेक्टर के हिसाब से एंटीबायोटिक को क्लासिफाई किया गया है। तो वही चीज आप देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या है और कितने प्रकार के उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटीबायोटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है और डिफरेंशिएट करना है आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे जो है कि ट्वेल्थ हो, किसी भी लेवल पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी कमेंट, बैक्टीरिया कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करें बैक्टीरिया हेल्प लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको जो है कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, प्लांट वायरसेस कैसे कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, कैसे वो मैकेनिकल ट्रांसमिशन करते हैं, कैसे वो सीड से ट्रांसमिशन करते हैं, कैसे वो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन करते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल बायोकेमिकल चेंजेस इन वायरस इन इंफेक्टेड प्लांट, अगर कोई
प्लांट को वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जो है कि बायोकेमिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी कि नेक्रोसिस होता है, क्लोरोसिस होता है, उसके बाद जो है कि डिफोलिएशन होता है, जो फ्लावर थे उनका कलर चला जाता है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या है कि आपको लेबल डायग्राम बनाना था बैक्टीरियोफेज का और इसके रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में आपको बताना था, मतलब बैक्टीरियोफेज क्या है उसका डायग्राम बनाना था, उसके बाद उसके लाइटिंग और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना था, उसके बारे में डिटेल में बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, डिस्क्राइब प्रोकैरियोटिक नेचर, प्रोकैरियोटिक नेचर्स क्या होता है और बैक्टीरियल सेल्स को आपको डिस्क्राइब करना था कि किस तरीके से कैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया क्यों प्रोकैरियोटिक सेल होती है और इसके सेल के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट में क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ प्लांट वायरल डिजीज कंट्रोल, मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से जिससे कि आप प्लांट में होने वाले जो भी डिजीज होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड है, सॉरी रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड है, वो बडिंग करता है, फ्यूजन करता है, बाइनरी करता है, लॉन्गिट्यूडनल करता है, वो जो है फ्रेगमेंटेशन करता है, फ्रेगमेंटेशन के साथ एंडोस्पोर्स बनाता है, एंडोस्पोर्स के साथ वो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन करता है, तो सारे मेथड्स को आपको यहाँ पे बताने थे। उसके बाद आपको बताना था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होता है, हेटरोट्रॉफ होता है, ऑटोट्रॉफ में भी वो फोटोट्रॉफ होता है, कीमोट्रॉफ होता है, हेटरोट्रॉफ में भी वो सेप्रोफाइट होता है, पैरासाइट होता है और जो है कि सिम्बायोट होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में बतानी थी। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताना था कि बैक्टीरिया किस तरीके से हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसी के साथ वीडियो एंड होती है और आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया कि आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं।